दोस्तों सन 2050 में सेना के एक पायलट जिनका नाम एडम रीड है, वो एक टाइम ट्रेवल यान को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समय में पीछे जाना चाहते हैं और किसी को बचाना चाहते हैं। एडम 2018 में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से 2022 में चला जाता है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां एक एडम नाम का बच्चा होता है, जो कि हमेशा ज्यादा बोलने के कारण बड़े बच्चों से पिटता था। और जब वो उनके खिलाफ लड़ाई के लिए खड़ा होता है, तो उसे लड़ाई शुरू करने के आरोप में स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। एली अपने बेटे को सस्पेंड होने के लिए डांटती है। एली एडम की माँ थी, जो कि उस रात किसी के साथ डेट पर जा रही थी। तभी फ्यूचर का एडम 2022 में एक क्रैश लैंडिंग करता है, जहाँ वो अपने आप से मिलता है जब वो 12 साल का था, जो अपने पिता लुई की मौत से जूझ रहा था, जो कि एक महान भौतिक विज्ञानी थे, जो कि टाइम ट्रेवल को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक एल्गोरिदम लिखने वाले थे। एडम की माँ एली 2022 में जीवित हैं। तभी एडम अपने छोटे स्वरूप से बताता है कि वो भविष्य से आया है और वो वही व्यक्ति है। ये बात सुनते ही छोटे एडम के होश उड़ जाते हैं। तभी बड़ा एडम अपने छोटे स्वरूप से उसकी मदद लेने के लिए कहता है, ताकि वो क्रैश हुए जेट की मरम्मत कर सके। दरअसल भविष्य की तकनीक में यान पायलट के DNA से जुड़ा हुआ है, लेकिन एडम घायल हो चुका था, इसलिए यान उसे उड़ान या मरम्मत की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि उसके सभी बिटल संकेत खराब हो गए थे। तभी एडम ने छोटे एडम की सहायता से जेट को स्वयं मरम्मत मोड पर सेट कर दिया और उस रात गैराज में रात बिताने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन एडम की माँ एली काम के लिए निकल जाती है। तभी फ्यूचर वाला एडम अपने छोटे एडम से बताता है कि वो अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करता है और इसे अपने पूरे जीवन के लिए पछताएगा। तभी वे बड़े एडम की दवाई खरीदने के लिए एक दवा के स्टोर पर जाते हैं, जहाँ छोटे वाले एडम को उसके स्कूल के लड़के घेर लेते हैं और उसे मिलकर मारने लगते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम को देखता है और उनके सामने खड़े होने के लिए उसे प्रोत्साहित करता है, लेकिन छोटे एडम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें हरा सके, इसलिए वो उनसे पिटकर वहां से भाग जाता है। उसके भाग जाने के बाद बड़ा एडम उन लड़कों का सामना करता है, वो उन्हें डराता है और आगे से कभी छोटे एडम को मारने से मना करता है। तभी अगले सीन में बड़ा वाला एडम एली से मिलता है। दरअसल एक अनजान के रूप में बारटेंडर के साथ बातचीत करते हुए झांक रहा था, जहां एली बारटेंडर को बता रही थी कि एडम अपनी माँ को कभी नहीं समझ पाता। तभी फ्यूचर वाला एडम अपनी माँ को बताता है कि वे एडम के साथ कुछ गलत नहीं कर रही हैं। वो अपनी माँ को अनजाने में सलाह देता है कि वे एडम को बताएं कि वह भी अपने पति की मृत्यु से परेशान है। इसके बाद एडम वहां से चला जाता है। घर आने के बाद एडम अपने प्रेजेंट से बताता है कि वो अपनी पत्नी लारा को ढूंढने की तलाश में है, जो कथा के तौर पर 2018 में एक टाइम ट्रेवल के मिशन के दौरान एक विमान दुर्घटना में मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने जंप लॉग बदल दिए और एडम को कभी पता ही नहीं चला कि वो 2018 में क्या ढूंढती थी। तभी अगले दिन को एडम को माया सोरियन और उनके लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस द्वारा 2050 में वापस ले जाने के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2018 में माया लुई के लिए काम करती थी। तभी माया और क्रिस्टोस फ्यूचर के एडम को मारने की कोशिश करते हैं, वे उसे मारने ही वाले थे। इसके दौरान लोरा द्वारा एडम को बचा लिया जाता है, जो बाद में एडम से बताती है कि वो एक हत्या के प्रयास से बच गई थी और पिछले 4 सालों से वो अतीत में फंस गई थी। लोरा एडम को ये भी बताती है कि उसने पता लगाया कि सोरियन ने टाइम ट्रेवल और भविष्य पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पिछले समय में बदलाव किया था, क्योंकि नवंबर 2018 में लुई ने मैग्नेटिक एसिलेटर और समय यात्रा की पहले चरण का विकास किया था। इसके बाद एडम और लोरा आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी लोरा एडम को 2018 में वापस जाने और समय यात्रा को नष्ट करने के लिए कहती है, जिसे कि एडम के पिता लुईस ने बनाया था, ताकि भविष्य को बचाने के लिए चीजों को सही किया जा सके। लेकिन एडम अतीत में जाने से मना करता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो अतीत को बदलता है तो एडम और लोरा भविष्य में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन लोरा एडम को वहां भेजने के लिए मना लेती है। तभी वहां सोरियन आती है और लोरा पर हमला करती है, लेकिन लोरा खुद को बलिदान कर देती है ताकि दोनों एडम वहां से भाग सकें। तभी सोरियन के यान द्वारा एडम का पीछा किया जाता है और उनके यान को नष्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन जब एडम के यान में थोड़ी सी ऊर्जा बचती है, तब एडम को लगता है कि वे 2018 में नहीं जा पाएंगे। लेकिन यान की थोड़ी ऊर्जा के साथ एडम और उसका छोटा संस्करण 2018 में वापस चले जाते हैं।
वे जैसे ही अपने अतीत 2018 में पहुंचते हैं तो दोनों एडम अपने पिता लुई की मदद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन लुईस टाइम ट्रेवल पर वैज्ञानिक प्रभाव के कारण उनसे मना कर देता है। तभी एडम अपने पिता को समझाता है कि माया ने पहले ही टाइम ट्रेवल पर प्रभाव डाला है और मानव भाग्य के फ्यूचर पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन लुईस अपनी बात पर अटल रहते हैं। तब एडम उनसे कहता है कि उन्हें ब्रह्मांड की चिंता करने की बजाय अपने बेटे की देखभाल करनी चाहिए। इसी बीच भविष्य की सोरियन भी 2018 में आ जाती है और वो अपने छोटे स्वरूप से मिलती है। वो पहले भी टाइम ट्रेवल को बदलने के लिए अपने छोटे स्वरूप के साथ मिलकर 2018 में यात्रा कर चुकी थी। भविष्य की सोरियन प्रेजेंट की सोरियन से बताती है कि भविष्य का एडम 2018 में है और टाइम ट्रेवल को सक्षम बनाने वाली तकनीक को समाप्त करने के लिए आया है। इधर छोटा एडम अपने भविष्य से परेशान है क्योंकि उसका भविष्य उसके कड़वेपन और क्रोध के बारे में बात करता है और महसूस करता है कि इसका कारण उसके पिता की मृत्यु पर उसका दर्द है, ना कि कुछ और। तभी दोनों एडम लुई के पार्टिकल एक्सीलेटर को नष्ट करने के लिए हमला शुरू करते हैं, लेकिन भविष्य के रीड्स एडम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पूरा यकीन है। तभी एडम का पिता लुई अपना मन बदल लेता है और आकर के एडम को बचा लेता है और साथ में उनके मिसल में शामिल भी हो जाता है। एडम लुईस को समझाता है कि उनको एल्गोरिथम की हार्ड ड्राइव को प्राप्त करना होगा जो कि टाइम ट्रेवल को सक्षम बनाता है। तभी एडम और लुईस एक्सीलेटर के लिए उसके कमरे में जाते हैं, जबकि छोटा एडम ड्रोन के साथ परिधि की रक्षा करता है। तभी छोटे एडम को भविष्य की सूर्यन के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वो उसको कमरे में ले जाती है ताकि वो बड़े एडम और लुईस से बातचीत कर सके। लेकिन अंदर जाने के बाद उनमें बहस होने लगती है और एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें एडम और उसके पिता को मारने के लिए भविष्य से कई सारे सैनिक आ जाते हैं और उनको मारने में सोरियन और उसका अतीत भी शामिल होते हैं। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पार्टिकल एक्सीलेटर ओवरलोड हो जाता है और वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चालू हो जाता है जो कि धातु के सभी सामानों को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे भविष्य के सैनिक भी उसकी ओर खींच लिए जाते हैं। तभी सोरियन लुईस को मारने के लिए एक बुलेट से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सीलेटर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण गोली का रास्ता बदल जाता है, जिससे लुईस को गोली लगने की बजाय युवा सोरियन को गोली लग जाती है और इस प्रकार फ्यूचर के सोरियन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है और भविष्य के सभी सैनिक अपने आप गायब हो जाते हैं। इसके बाद टाइम ट्रेवल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और भविष्य अपने आप ठीक हो जाता है। एडम अपने पिता को भविष्य बताना चाहता है, लेकिन एडम उसे भविष्य जानने के लिए मना कर देता है और अपने बेटे के दोनों स्वरूपों के साथ कैच खेलने का आनंद उठाता है। तभी अचानक से उसके सामने से दोनों एडम्स गायब हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को अपने अपने समय में वापस लौटा दिया जाता है। 2022 में छोटा वाला एडम अपने गुस्से और कड़वाहट को छोड़ देता है और अपनी माँ के साथ अच्छे से रहने लगता है क्योंकि 2022 में लुई की मृत्यु हो चुकी थी। और सन 2050 में एक खुश और संतुष्ट एडम लोरा से पहली बार मिलता है, जो मूल समय रेखा में उनकी पहली मुलाकात की तरह ही थी। एडम लोरा को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसके साथ डेट पर जाता है। इस प्रकार फिर से दोनों भविष्य में मिल जाते हैं और इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द एडम प्रोजेक्ट मूवी की। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और ऐसी और कहानी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।